रादौर के बबुका रोड पर आज उसमें हंगामा हो गया जब एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाद में मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला को जहर देकर मारने का आरोप लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घर के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता पुलिस ने आरोपी पति के माता पिता व मृतिका के बेटे को गिरफ्तार किया और मामले के नामजद पति व अन्य की गिरफ्तारी को लेकर तलाश शुरू कर दी। रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। कि मैं आपको एक बार अपने बच्चों को देख लूं, मैंने अपने बच्चों को मिलना है, मेरे बच्चों को मिलना है। सारे मना कर रहे थे कि मत जा तू, भी इनके ऐसे गंदे बंदे हैं तू मत जा, पर ये कल माननी नहीं आ गई। कहते मैं मिल के आ जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कहते मैं तो बाहर से ही देख के आ जाऊंगी, दुकान पे बैठे होंगे ना, मैं दुकान से देख के आ जाऊंगी। वो घर आ गई, वो घर गई है अंदर, भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ, मारपीट की है क्या किया। मतलब वो 2:45 बजे के करीब घर से चली है, वहाँ से बस ली है आई है, तो 3:30 बजे तो यहाँ पहुँची होगी, तो 4 बजे तो इन्होंने उसको मार भी दिया। महिला दिवस पे इन्होंने, ये देख लो, उसको 4 बजे मार के फिर टैक्सी बुला के टैक्सी में उसको डाल के डग्गा बास पर छोड़ के वहाँ से फरार हो गए। अभी कुछ नहीं, एक लड़का, उसका बड़ा लड़का कल रात को इन्होंने जब FIR दर्ज करवाने आए थे, बड़े लड़के को कहा था पकड़ के ले आए हैं, तो इन्होंने उसको बिठाया हुआ है। उसके बाद उस कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमने सबने हंगामा किया, तब उसके घर गए हैं, कह रहे थे घर कोई नहीं है, हम देख आए हैं। अब उसके माँ बाप दोनों घर से मिले हैं, उनको अब उठा के लाए हैं। अभी एक इनकी सबसे ज्यादा रोल जो ब्रह्म कुमारी है इनकी बनी हुई है, प्रजा ब्रह्म कुमार भाई है, एक ब्रह्म कुमारी वो बहन है, सबसे ज्यादा रोल उसका है, सबसे ज्यादा वो ही इनकी, मतलब अगर कातिल हम मान सकते हैं तो हम उसको मान सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी की मांग है, उनकी तीनों की, इसके हस्बैंड की भी और दोनों भाइयों की भी, बहन की भी और एक छोटा बेटा भी है।